9 तारीख को ईद मिलाद का जो उत्सव है उस दिन ना ही पुलिस ने किसी डीजे को परमिशन दी है ना ही किसी डीजे को परमिशन मिलेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है डीजे ना बजाए जाए, इसलिए कोई भी किसी को गलत फहमी मत रखिए। डीजे को बिल्कुल परमिशन नहीं है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और सब लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि कृपया डीजे ना बजाए, शांतता और उत्साह के साथ अपना उत्सव मनाइए। और ये जो जो स्टॉल्स वगैरह लगेंगे और हुल्लड़बाजी वगैरह, जो नाके नाके पे जो लगाएंगे हुल्लड़बाजी करेंगे उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजे बिल्कुल नहीं चलेगा, छोटा सा स्पीकर है तो आप अपना उत्सव मनाइए, छोटे से स्पीकर में आप अपना उत्सव मनाइए। उसके लिए भी पुलिस स्टेशन की परमिशन चाहिए, तो परमिशन मिलने के बाद ही वो छोटा स्पीकर आप लगा सकते हो। डीजे बिल्कुल बंद है, इसलिए ट्रक को अंदर आना मना है। वो वाइजन सिंह थी रिटर्न, यानी बड़ी गाड़ियां जो है नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। लोगों को जो भी कुछ वहां उतरना है उतार के पैदल चलना है। ओके नाजरीन, सलाम व आदाब। प्रोग्राम हमारा समाज और हम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कैसर रजा हुसैन। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इस्लाम का एक बड़ा त्यौहार है और इसे तुज़ुक एहतशाम और एहतराम से मनाना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही जोश व खरोश से मनाया गया। वहीं मुंबई व मज़ाफात मुमरा में भी बहुत ही जोश व खरोश से मनाया गया और धूम से डीजे भी बजाया गया। हालांकि दो रोज़ पहले मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमरा पुलिस के सीनियर अशोक कटलग ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक डीजे बजाने पर मुकम्मल पाबंदी है। इसके बावजूद डीजे बजाने और उस पर डांस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जबकि इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है।
पहला खलीफा सरकार का प्यारा सिद्दीक। दिलों से मोहब्बत सिला खून मिला है, दिलों से मोहब्बत सिला खून मिला है। ताहशर मोहम्मद की संगारा रहेगा, ताहशर मोहम्मद के संगारा रहेगा, ताहशर मोहम्मद के संगारा रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।